मन गठो में
बड़ा बैरी ये मन घटो में किसी का जी ना कठिनाई करो तुम्हें इसी के पीछे करो तुम्हें इसी के पीछे और सब ही जतन तजना गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं छूटना जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका जय गुरुदेव नाम किसका। नर नारियों बच्चे और बच्चियों लोग अपने अपने गृहस्थ आश्रम में जब संसार का सब अनुभव बच्चों का भाइयों का माता पिता का पत्नी और पति का जब गृहस्थ आश्रम में अनुभव कर लेते थे तो अंत में मोह ममता को त्यागने के लिए लोग अपनी आखिरी आयु का उम्र का एक हिस्सा ये सोच करके देते थे कि अब चलते चलाते हमारा कल्याण हो जाए और तीर्थाटन घर से निकलकर भागवत या गीता कराकर और भोज कराकर देशाटन के लिए तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़ते थे और ये हाथ जोड़ते थे कि हम आ गए तो आ गए अब हमको ये समझो कि हम नहीं हैं। हमारा यदि समय पूरा हो जाए तो हम बीच में ही चले जाएंगे। इस तरह से लोग घर से निकलकर तीर्थों में देवस्थानों में ऋषियों मुनियों महात्माओं के आश्रम में लोग आखिरी आयु में भ्रमण करते थे। ये आशा तोड़कर जाते थे कि अब हमको घर में वापस नहीं जाना और रास्ते ही में उनका शरीर शांत हो जाता। प्यार ने खाया ऐसे ही पड़ा रह गया गड्ढे में गिर गया किसी ने फेंक दिया ये कुछ नहीं घर से निकल गए और चले गए। पहले सभी आश्रमों में ये नियम था अब ये किया गया अब ये बताया गया कि गृहस्थ आश्रम में रहो और आपको सच्चा सत्संग सच्चे महात्मा का मिलना चाहिए जिससे सत्संग और उसके वायुमंडल में अगर यदि शरीर शांत होता है तो अपने को वो परम सौभाग्यशाली ये समझे कि मेरी आत्मा का हो गया कल्याण। मैं जो कह रहा था कि अगले साल इसमें से कितने लोग यहां पर जो बैठ करके सुन रहे हैं वो अगले साल
यहां नहीं आ सकेंगे, उनका समय पूरा हो जाएगा। इससे ये मालूम होता है कि आपका समय साल से कम रह गया, इसलिए दोबारा फिर ये आपको अवसर नहीं मिलेगा, न तो आप दर्शन दे सकते हो और न आप दर्शन कर सकते हो और न आप सत्संग सुन सकते हो, क्योंकि श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाएगी और अनमोल मनुष्य शरीर किराए के मकान से जीवात्मा को विवश और लाचार होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपने देखा होगा सुबह लाइन में खड़े हुए पूजा के लिए, न कोई बीमार है, आराम से खड़े हैं और पूजा की प्रतीक्षा में है कि हम वहां तक पहुंच जाए और प्रसाद ले लें, और बस उतने ही में जमीन पर बैठे और शरीर छूट गया, यानी जीवात्मा शरीर से निकाल दी गई। ये जीव का बहुत ही अहोभाग, ऐसा अवसर जीवों को मिलता नहीं है। ऐसे वायुमंडल में, ऐसी देखरेख में, ऐसे संकल्प में, ऐसे संदेश में, मालिक की याद में, उसकी पूजा में अगर श्वासों की पूंजी समाप्त हो जाती है और शरीर से जाना पड़े तो उसकी संभाल हो जाती है, वो जीव इधर उधर नहीं जा सकता। महात्माओं को मालूम है ये जीव कहां जाएगा और इसका हिसाब किताब कहां पर होगा, वो पूरा उनको मालूम है। जिस तरह से खुली आंखों से आप हमको देखते हो, बाहर की शरीर की आंखों से, और मैं आपको देखता हूं, इसी तरह से अंतर्ज्ञान दृष्टि के द्वारा वो सब कुछ दिखाई देता है कि जीव इधर से जैसे ले जाए जाते हैं वो कैसे जा रहे हैं और कहां इनका हिसाब होता है, ये महात्माओं को सब मालूम। पिछली किताबों में महात्माओं ने बहुत कुछ आपके लिए निराकरण कर दिया है और उन्होंने आपको बहुत विश्वास दिला दिया, उसके कहने की जरूरत नहीं है। तो दो आदमियों का यहां पर शरीर छूट गया और कल दोनों के दोनों ही गए, इससे ये मालूम हुआ वो बड़े बेचारे प्रेमी थे, बड़े भक्त थे और बराबर सत्संग में जगह जगह सम्मिलित होते रहते थे, सत्संग सुनते थे और दर्शन देते और दर्शन करते थे, ऐसी उनकी बड़ी तीव्र लालसा रहती थी। तो ऐसे लोगों का तो वैसे भी काम हो जाता है, जो नामदानी जंगल में रहते हैं, जो यहां सत्संग में नहीं आए, अगर उनका भी शरीर छूटता है तो उनके लिए भी इंतजाम बंदोबस्त करके रखा है कि उनकी भी जीवात्मा गड्ढे में नहीं जा सकती। उनको मालूम है कि कहां किस समय पर, इसके माने ये नहीं है कि यहां सत्संग में बैठे हैं और आपका दर्शन कर रहे और दर्शन दे रहे और वो जंगल में जीव जो है वहां से चला गया, ऐसा नहीं, उन्होंने पहले ही से इंतजाम करके पूरा रखा है और उनको मालूम रहता है कि जीव यहां से नामदानी जा रहा, उसका इंतजाम कर दिया, उसके कर्मानुसार उसकी साधना अनुसार फिर तुरंत शीघ्रम शीघ्र, देर कुछ नहीं लगती, मिनटों का भी काम नहीं, और उसको ये फिर मनुष्य जन्म दिलवा दिया जाता। और ऐसे वायुमंडल में जन्म मिलता है जहां आप अपने सत्संगी यानी प्रेमी सत्संगने स्त्री और पुरुष रहे, और जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है फिर नामदान प्राप्त कर लेता है और वहां से साधना फिर शुरू कर देता है। यदि बीच में फिर उसकी साधना अधूरी रह जाए और फिर वो अपना शरीर छोड़ दे तो फिर उसकी संभाल हो जाएगी और ऐसी जगह पर उसको जन्म दिलवा दिया जाएगा कि फौरन सत्संग में फिर आकर और नामदान को प्राप्त कर लेगा और जहां से साधना छूटी है फिर शुरू कर देगा, वहां तक के लिए उसको कोई मुश्किल नहीं पड़ेगी, वो आनन फानन एकदम तत्क्षण बताते ही उसका काम होगा और आगे उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी है। इस तरह से जीवों की
नामदान देने के बाद संभाल हर तरह से होती रहती है, बशर्ते यह है कि आप कोई बुरा काम न करें, किसी का आप कत्ल न करें, हिंसा न करें, कोई चोरी न करें, डकैती न करें, अमानवीय काम न करें, जहां तक हो जाए तहां तक सूद समझ से इन सब चीजों से बचे रहे, और जो गंदगी आपके पास में जमा है वो जल्दी से उसको उतार दिया जाएगा। लेकिन जब आप गलती कर लोगे और तुम ये नहीं समझोगे कि मालिक देख रहा और जितने नामदान दिया है वो देख रहा, तुम उसको और मालिक को अंधा समझोगे तो वो कर्म जमा हो जाएगा और उसकी आपको सजा मिल जाएगी, फिर आप रोओगे चिल्लाओगे हर तरह से। यानी जीवों की संभाल होती है, ये बहुत ऊंचा संदेश और ऊंचा विज्ञान है, ये छोटी मोटी चीज नहीं है। उनको सब मालूम है कि जीवात्माएं कैसे उतरती हैं और कैसे चढ़ती हैं और मनुष्य शरीर में कैसे डाली जाती हैं और किस तरह से निकाली जाती हैं, फिर ये किन किन योनियों में इनके जाने का हिसाब होता है और उनके तार यानी उनकी डोरियां किस किस तरह की हैं और कौन कौन सी डोरी किस किस योनि में, 84 में या नरकों में या भिन्न भिन्न अलग अलग नरकों में, चार खानों में, 84 लक्ष्य योनियों में, ये महात्माओं को सब जैसे आईने के सामने खड़े हो जाओ ऐसे दिखाई देता है। लेकिन अब ये जरूर है कि जब तुम्हारी आंख खराब हो गई तो आप ऐसा समझते हो कि सब अंधे हैं, किसी के आंख होगी ही नहीं, कोई दुनिया को देखता ही नहीं होगा। लेकिन जिसके आंख है वो तो कहता है सूरज है, चंद्रमा है, ये मकान दिखाई देता है, ये जमीन दिखाई देती है, पर सूर आदमी को क्या होगा, उसको क्या दिखाई देगा। इसलिए जगत अंधा हो गया है और बहरा हो गया, वो महात्माओं को पहचान नहीं पाता, समझ नहीं पाता, उसके पास समझने की बुद्धि नहीं और आंख अंधी हो गई तो कैसे पहचाने। कहीं अगर उसको आत्म आंख हो गई होती, वो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल गया होता, तब तो उस नूर में उस प्रकाश में पहचान लेता। तो हिंदुओं और मुसलमानों और सिखों और ईसाइयों, ये जाति दौलत, ये जन्म जात की संपत्ति महात्मा फकीरों के पास सबकी है, जो भी इच्छा करे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो महात्माओं के पास जाकर के इस दौलत को ले आए, इस संपत्ति को ले ले, ये सबकी है, किसी एक की नहीं है, और जो इसमें भाव भक्ति करेगा उसको ये दौलत मिल जाएगी। भक्ति नाम किसका है, आज्ञा का पालन, और कोई भक्ति नहीं। भक्ति नाम कोई तस्वीर देखने का नहीं, तुमने मंदिर में मूर्त देख ली तो इसका नाम भक्ति नहीं, या तुमने गाना गा लिया, कोई प्रार्थना कर ली, इसका नाम भक्ति नहीं। जो महापुरुष आदेश दे उसका तुम पालन प्यार से करो, इसको कहते हैं भक्ति, यह है भक्ति। हमने राम को नहीं देखा, हमने कृष्ण को नहीं देखा, हमने तुलसीदास को नहीं देखा, हमने मोहम्मद साहब को नहीं देखा, हमने ईसा मसीह को नहीं देखा, हमने पैगंबरों को नहीं देखा, हमने योगियों को नहीं देखा, ऋषि मुनियों को नहीं देखा, तो आप किसका पालन करोगे। रामायण समझ में आती नहीं, गीता समझ में आती नहीं, कुरान समझ में आती नहीं, अगर समझ गए होते तो रहम ना आ जाता, फिर जालिम तो नहीं रहते, हृदय में दया नहीं आ जाती, निर्दयी तो नहीं रहते। लेकिन वो तो तुम्हारी समझ में आता नहीं, तो भक्ति नाम है आदेश का पालन। जो आदेश का पालन कर लेगा वो तो महात्मा बड़े दूर के देखने वाले होते हैं, वो धीरे 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 चारों तरफ से जाल डालकर और ऐसा तुमको फंसा लेंगे, पहले कुछ नहीं बोलेंगे, धीरे से फिर फंसा लेंगे, और जब शिकंजे में आ गए तब फिर ठीक करेंगे। वो बड़े होशियार होते हैं,
वो इस तरह से ठीक करते हैं जैसे एक भृंगी एक झींगुर को पकड़ते ही फौरन उसने मूछ काट डाली बिल्कुल और टांग काट दी, उसके पर को काट दिया और बिल्कुल उसको संपुट कर दिया कि अब न उड़ सकता है न चल सकता, बिल्कुल करके बराबर कर दिया उसको एकदम और उसको पकड़ लिया और ले गया और छेद पर अंदर की तरफ खुराक में बैठा दिया और दरवाजे पर बैठ करके भृंगी बस फिर आवाज देता है 24 घंटे। जब उसने भृंगी ने आवाज दिया 24 घंटे के अंदर तो उसने अपनी सारी शक्ति को झींगुर में भर दिया तो पर भी जमे आए, उसके पैर भी जमे आए, उसकी मूछें भी जमे आई और बस 24 घंटे के बाद जो निकला तो फौरन उसने दूसरे को पकड़ा और उसको संपुट कर दिया। तो महात्मा बड़े होशियार होते हैं, उनको नहीं मालूम कि वो कैसे पकड़ते हैं, आपको कुछ नहीं पता, जानते ही नहीं हो, इसलिए आप ये मत समझो ये सूखा सत्संग नहीं है। आपने कल देखा अपनी आंखों से कि 4 बजे से लाइन लग गई और सारी रात जाड़े में बैठे रहे, तो आपको ये जानना चाहिए कि सारी रात जगह एक तपस्या की, ऊपर से सर्दी थी और लाइन में धीरे धीरे बैठ करके खिसके हैं, धीरे धीरे आए और लाइन अभी तक लगी हुई है। अगर इसको देख करके तुमको अगर कुछ भी देश का और तुमको धर्म का और अध्यात्मवाद का और मोहब्बत प्यार और महात्मा फकीरों और सेवकों का अगर अनुभव नहीं होता है तो तुम्हारी बुद्धि जानवरों से भी गई गुजरी। फिर तो मैं ये कहूंगा कि जानवर ही अच्छे आदमी अच्छा नहीं। इस दृश्य को आप देखिए, इस दृश्य को वैसे मेरे पास ऐसा रास्ता है कि मैं 4 घंटे में इसको निपटा दूं, लेकिन मैं ये दिखाना चाहता हूं कि देवियां कैसी बैठी हैं कतार लगाकर, पुरुष कैसे बैठे कतार लगाकर, क्या इंतजारी कर रहे हैं और इस ठंडी में किस तरह से तपस्या कर रहे बैठे हुए हैं, ये आपको दिखाना चाहते हैं। ये महात्माओं का गोपनीय राज है, ये राज और रहस्य है, कुछ दिनों के बाद आपकी समझ में आएगा, अभी तो नहीं आ सकता। इसमें अगर आध्यात्मिकता का कहीं मसाला ना होता सच्चा और सत्य, तब तो आप बहुत दूर चले गए होते, ये तो असली चीज है और वही सबको घूम फिर करके उसी जगह पर आ जाना, आएंगे वही, वो रास्ता एक दिया जा रहा, अभी रास्ता और रास्तों के स्रोत अभी खोल दिए जाते हैं तो चारों तरफ गली पूछे से और फौरन पगडंडी और सड़कों पर आकर और फौरन आ जाएंगे बिल्कुल। फिर आप देखिएगा इस दृश्य को, तो आप ऐसा मत समझो वो कहते तो कुछ नहीं है, अगर कह दें कि तुम ये हो, तुमने सुबह इसको मारा शाम को इसको मारा, इसकी चोरी की इसकी डकैती की इसका बुरा किया इसका ये किया, तो 2 मिनट नहीं ठहरोगे, फिर तो 2 मिनट नहीं ठहर सकते हो, भाग के चले जाओगे, करे यहाँ तो सब कुछ खुल गया, यहाँ तो कुछ नहीं है, लेकिन वो धीरे से पोसीदा रखकर वो धीरे 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 जब रास्ते पर ले आएंगे और बांध लेंगे तो कहेंगे अरे बेटा ये बच्चे तूने बहुत कुछ कर लिया, ये काम किया है, तब उसका होश उड़ जाएगा और वो अपनी जगह पर आ जाएगा, वो आदेश उसको मिलेगा उसका पालन करेगा, उसका नाम है भक्ति। वाल्मीकि बदल गए, गंगा बदल गई, सदन कसाई बदल गए और बड़े बड़े राजे और जिम्मेदार बदल गए और डाकू और बदमाश बदल गए, बड़े लुच्चे और लफंगे बदल गए, महात्माओं के पास पहुंच करके बदल जाते और बड़े बड़े सिद्ध हो गए और बड़े ज्ञानी हो गए और त्रिकालदर्शी हो गए और जो इतिहास बना दिया उसको अभी तक कोई काट नहीं सका। उन्होंने लिख दिया मैं सबसे बुरा था, मैं सबसे पापी था, मैं सबसे गुनाहगार था और सब कुछ चिल्लाकर उन्होंने किताबों में ढनोरा पीट दिया, लेकिन यह है कि जिस महापुरुष के चरणों में गए उन्होंने उन सबको क्षमा कर दिया, उसके बाद में मसाला है, जड़ी है, औषधि है, बूटी है, उसको लगा करके और सबको धो डाला।
तब उसको स्वच्छ और साफ और निर्मल और शुद्ध और पवित्र है उसको कर दिया, उसकी तब महिमा होती है, तब गुणगान होता, तब भक्त और भगवान की लीला होती है। नहीं तो वैसे तो कौन भगवान को पहचान सकता है? भगवान तो भक्तों को पहचान लेगा, लेकिन भक्त कौन है? कोई नहीं। भक्त और भगवान का एक रस, एक रूप और एक भाव जब बन जाता है तब लीला होती है भक्त और भगवान की, स्वामी और सेवक की, और मुर्शिद और मुरीद। तो मुसलमान जो मस्जिद में इबादत करते हैं उनके इबादत करने का तौर तरीका सही नहीं है, गलत है। इसलिए मुसलमानों की इबादत खुदा कबूल नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? कि उन्होंने अपने दिल और दिमाग को पाक साफ नहीं रखा और गंदगी से मालिक इबादत को कबूल कभी कर नहीं सकता, इसलिए उनकी इबादत कबूल नहीं होती और वक्त उनका जाया हो रहा। और ये जिस्म है जो आपको थोड़े वक्त के लिए दिया गया, वक्त पूरा होते ही, जैसे ही पूरा हुआ, लेकिन उन्होंने कहा जिस्म हमने इबादत के लिए ही दिया है कि इबादत से तुम अपनी रूह को जगा लो और नजात में पहुंचा दो मौत के पहले। लेकिन आपने इसको समझा नहीं, वक्त पूरा हुआ और रूह को जिस्म से निकाल दिया। जिस तरह से हिंदू की जीवात्मा निकाली जाएगी उसी तरह से मुसलमान की रूह निकाली जाएगी, और फैसला दोनों का एक ही तक पर होता है, अलग अलग नहीं। वहां न कोई हिंदू है न वहां कोई मुसलमान, वहां तो जो भी तुमने अच्छे और बुरे जो काम किए वो वहां पर हैं और उसी का इंसाफ हो जाएगा, वहां किसी साधक और गवाही की जरूरत नहीं। ये सब कुछ है महात्माओं को, महान आत्माओं को ये सब दिखाई देता है, इससे मालूम होता है कि वो कौन है हिसाब करने वाला और किस तरह से हिसाब करता है, और किन लोगों को फिर मनुष्य शरीर नहीं मिलता और कब तक नहीं मिलता है, ये महापुरुषों को सब मालूम। अब आप लोगों से हमारी ये विनय और प्रार्थना है कि अब आप लोग अपना उम्र का जो थोड़ा बहुत बचा हुआ हिस्सा है कुछ तो आप खेती दुकान दफ्तर में लगा दो, कुछ बच्चों की सेवा में लगा दो, कुछ मान सम्मान में लगा दो, कुछ सोने में, थोड़ा सा समय बचाओ इसी मनुष्य मंदिर में जिस्मानी मस्जिद में, तो सच्चे खुदा की रूह से इबादत हो जाए और सच्चे भगवान का जीवात्मा से भजन हो जाए, तो ये जीवात्मा उस नूर को, यानी वो रूह नूर को वो पाले, यानी जीवात्मा उस प्रकाश को प्राप्त कर ले जो इसकी जान है, जिसके बगैर ये बेखबर और अकेली इस बियाबान अंधकार जंगल में ये मारी मारी फिरती है, उसका कोई सहारा देखभाल करने वाला नहीं। इतना काम तुम करोगे बचा हुआ थोड़ा समय, बाकी जो जो आदेश आपको मिलता जाए 23 घंटे के अंदर, एक घंटा तो आप रिजर्व कर लो कि 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को, 10 मिनट दोपहर में, 10 मिनट दोपहर बाद और 10 मिनट अर्ध रात बाद, इस तरह से एक घंटा तो रिजर्व कर लो, बचा करके रख लो, और 23 घंटे के लिए जितना जितना आदेश मिले दफ्तर के लिए, दुकान के लिए और खेतों के लिए और बच्चों की सेवा के लिए, आए गए मेहमान के लिए और सोने के लिए और स्नान करने के लिए, अस्पताल में जाने के लिए, जितना आपको आदेश मिल जाए वो तो आप इसकी हिफाजत कर लो, इसमें बैठी जीवात्मा उसकी भी हिफाजत कर लो, दोनों काम आपके लिए सुलभ हो जाए ये भी ठीक और जीवात्मा भी तुम्हारी जाग जाए। लेकिन इसी से जगेगी, जब ये ठीक रहेगा, निरोगी रहेगा और स्वच्छ रहेगा और साफ रहेगा और पाक रहेगा, तो फिर जीवात्मा भी साफ हो जाएगी और निरोगी हो जाएगी।
नहीं ये रोगी तो वो भी रोगी, ये गंदा तो वो भी गंदी, मन गंदा बुद्धि गंदी आंख गंदे चित्त गंदा तो जीवात्मा और अंतःकरण भी गंदा, तो फिर बीमारी कैसे जाएगी, ये रोग और कोढ़ कैसे जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ा रिजर्व करो अपने समय, फिर थोड़े ही समय के बाद जब नशा उतरने लगेगा तो अफीम अफीम का नशा कुछ नहीं, शराब का कुछ भी नशा नहीं, ये वो नशा है कि एक बार पी लो तो फिर कभी चढ़ी उतरती नहीं है। मेरे पास बहुत से लोग आते हैं और बड़े बड़े प्रलोभन दिए कि चलो आप ही को प्रधानमंत्री बना देंगे। अरे मैंने कि चलो तुम एक प्रधानमंत्री नहीं लाखों और करोड़ों, उसकी भी जरूरत नहीं है, वो तो कूड़ा कचरा है। प्रधानमंत्री का स्थान कूड़ा कचरा बदबूदार है, ये सब तुम्हारा कोई असर लगने वाला नहीं है, इसको छोड़ दो, धन और दौलत ये सब छाया है, ये वक्त से ये सब अलग थलग, और ये भी छाया ये मैल है, देखते देखते मिट्टी का मिट्टी में, वायु का वायु में, अग्नि का अग्नि में और आकाश का आकाश में, ये सब का सब जल का जल में मिल जाएगा और कुछ भी पता नहीं चलेगा कि ये कहाँ चले गए। और जीवात्मा जिसके कारण ये चलता फिरता बोलता है, ये बादशाह कहलाता, सेठ साहूकार कहलाता, विद्वान कहलाता और बड़ा बहादुर और दानी कहलाता, वो तो निकल जाएगा, उसका भी पता नहीं। उसी के पते के लिए अनमोल मनु शरीर आपको दिया गया, इसमें बैठकर उसका पता लगा लो और इन्हीं इंद्रियों के द्वारा तुम जो है उस छाया पर यानी कागज पर लिख मारो कि मैंने उसको देखा जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो चलता फिरता बोलता नहीं, जिसके यहाँ कभी सुबह शाम नहीं होती है, जिसके यहाँ कभी रात्रि और दिन नहीं होता और सूरज और चांद कभी निकलता नहीं, वो एक रस रहने वाला। इसलिए आप थोड़ा समय बचाओ, ये हमारी विनती और प्रार्थना है। हम तो वर्षा आदेशानुसार ये देते हैं लेकिन उसको संभाल करके रहो, हमारी बात अच्छी तरह से समझ लो। तुमने अगर किसी की नाक काटी है सुबह तो वो सब फिल्म में आ गई, शाम को तुमने गर्दन काटी तो सब फिल्म में आ गई, वो रो रहा चिल्ला रहा सामने पड़ा, मारने वाला भी है मरने वाला भी, किसी की टांग कर दी हाथ काट दिया, रात को चोरी या दिन को की, दिन को डकैती या रात को, या आपने और कोई अमानवीय काम, ये सब फिल्म में फाइल में सब छपता जा रहा। और जब तक वो कुछ नहीं बोलेगा, जब तक आपका समय पूरा नहीं होता, और जैसे ही समय पूरा हुआ पूरी फाइल खुल जाएगी, तो आप वहां ये तो नहीं कह सकते हो कि मैंने नहीं मारा, मैंने नाक नहीं काटी, तो सामने होगा और तुम भी सामने होगे और चाकू चलाते होगे, तुम वहां बंदूक चलाते होगे, लाठी चलाते होगे, तुम चोरी करते होगे, तुम डकैती डालते होगे, सब वहां पूरा का पूरा वो वहां तस्वीर है, तो आप क्या इनकार कर सकोगे, ये बदले देने पड़ेंगे। जब आपको ये अदले और बदले, तुमको दान के पुण्य के, किसी की सेवा करने के, सम्मान करने के, तुम आदर करोगे, तुम पानी पिलाओगे, खाना खिलाओगे, दवा दे दोगे और किसी मरीज बीमार की सेवा करोगे, ये सब वहां छप जाएगा, तो ये अदला और बदला, फिर वो तुमको मारेगा, फिर तुमको खिलाएगा, तुम्हारी इज्जत करेगा, तुम्हारी बेइज्जती करेगा, तुम्हारा मतलब ये है कि चोरी करेगा और तुम्हारी रक्षा करेगा, जो जिसके साथ जो काम करेगा उसको बदला देगा, ये बदले बदले से कोई चूक नहीं सकता। जब कृष्ण भगवान 56 करोड़ यदवंशियों को समाप्त कर दिया, पलक के मारते में खून की नदी बह गई, तो जब जाने लगे प्रभात पाटन नदी के किनारे कि अब हम अंतर ध्यान हो जाएंगे, चले जाएंगे अपने गौलोक को, उसी समय एक बहेलिए ने उधर देखा तो उनके पैर में पद्म था, उसने सोचा कि हिरण पानी पी रहा
کو فوراً نشانہ لگا کر کے اس نے مار دیا, اور اس بحیلیے کو معلوم ہو گیا کہ لگ گیا. وہ فوراً دوڑ کر کے آیا تو دیکھا کہ وہاں کرشن بھگوان بیٹھ کرا رہے ہیں, بڑی پیڑا ہو رہی. تو اس نے کہا ارے بھگوان یہ کیا ہو گیا, میں نے تو سوچا تھا کہ ہرن پانی پی رہا اور یہاں آپ نکل آئے, میں نے تو بڑا اپرادھ کیا. کہنے لگے بھائی تم نے کچھ نہیں کیا, میں نے راما اوتار میں پیڑ کی اونٹ میں ہو کر کے ہم نے بالی کو مارا تھا اور بالی بہیلیا بنا, تو پھر وہ دوپہر میں کرشنا اوتار میں اس نے اپنا بدلہ لے لیا. جب ایسی ایسی شکتیوں سے یہ بدلے نہیں چک سکتے ہیں, ان کو بھی بدلہ دینا پڑے گا, تو تمہارے پاس تو کوئی شکتی اور گیان نہیں, تم کوئی یوگی تو ہو نہیں, تم تو مطلب یہ ہے کہ آپ سدھی پراپت کرنے والے تو ہو نہیں, تو تم کو تو یہ بدلے دینا ہی پڑے گا. جب ایسی ایسی شکتیوں کو دینا پڑا اور کتابوں میں لکھ دیا کہ یہ ہم سے بھی بدلہ نہیں چک سکتا, ہم کو بھی دینا ہوگا, لیکن سنت اس بدلے کو چکا دیتے ہیں. ان کے پاس بدلے کے چکانے کا مسالہ ہے, یوگیوں کے پاس نہیں ہے, سدھوں کے پاس نہیں, گیانیوں کے پاس نہیں, تتو درشیوں کے پاس نہیں, سنتوں کے پاس میں اس کا مسالہ ہے اس کو چکانے کا, اور کسی کے پاس نہیں. تو آپ کو تو یہ بھید معلوم ہے نہیں, پھر آپ نے تو کرشن کو دیکھا نہیں کہ آپ جلدی سے کہو گے کہ نہیں ہم بھی ہیں. پھر جب آپ نے دیکھا نہیں تو پوجا کتنی کر رہے ہو؟ ارے کتاب میں لکھا ہے کہ تم جاؤ اگر مجھ کو پانا چاہتے ہو, میرا درشن کرنا چاہتے ہو, میرے لوک میں آنا چاہتے ہو, تو جو مجھ کو پا چکے ہیں تتو درشی جنہوں نے اپنی جیواتما کو جگا کر اور گیان چکشو دوارا جنہوں نے میرا ساکشاتکار کیا ہے, تم ان کے پاس چلے جاؤ, وہ میرا بھید بتائیں گے اور ان کی کرپا اور مدد اور سہایتا سے تب میرے لوک میں تم آؤ گے. تو یہ تو کوئی ماننے والا ہے نہیں, تو بتاؤ پھر پوجا کس کی ہو گئی؟ تم نے خود کو اپنے کو دھوکہ دیا, خود کو بھرم میں رکھا, خود کو اندھکار میں رکھا اور خود بھٹک گئے. کون بتائے گا آپ کو؟ آپ کی آتما کی کون رکھا کرے گا, کون سنبھال کرے گا؟ ماں باپ کر نہیں سکتے, دھن دولت کر نہیں سکتا, راجہ کر نہیں سکتا ہے اور لوگ کر نہیں سکتے ہیں, تو اس آتما کی رکھا کون کرے گا؟ جو کتابوں میں لکھا وہ آپ کی سمجھ میں آتا نہیں, آپ تو کسی مہاتما مان آتما کو کھوجتے نہیں ہو, اور آپ کے پاس بھی چلا جائے تو آپ اس کو پہچان دیں. اس لیے یہ دن ایسے برے آئے کہ مہان آتماؤں کی بڑی اویلنا ہوئی, بڑا چسکار ہوا, بڑی گالی گلوچ, بڑا ان کا اپمان ہوا, بڑے بدے شبدوں سے پریوگ کیا گیا. لیکن ہمارا دیش تو رشی منیوں کا, سادھو سنتوں اور یوگیوں کا دیش ہے. پھر پیچھے آپ کو اپنی زبان گندی کرو گے, میلی کرو گے, پیچھے پشچاتاپ کرنا ہوگا. اس لیے سوچ سمجھ کے شبد نکالو. تم سب کچھ کرتے ہو دنیا میں, لیکن سنتوں مہاتماؤں کے پرتی سنبھال کر شبد نکالو, ایسے نہیں. تو اس لیے وہ منوش ہے جو اپنی زبان کو سنبھال کر کے رکھتے ہیں اور دھیرج رکھ کر وویک سے کام لیتے ہیں, بدھی کا اپیوگ کرتے ہیں. لیکن بدھی نشٹ ہو گئی ہو اور بدھی پر پاگل پن کا اثر آ گیا ہو, زہر پھیل گیا ہو, تو بدھی بیچاری کیا کرے گی؟ وہ کیا سمجھے گی؟ بھوت کا, بھوشیہ کا, ورتمان کا, یوگیوں کا, مہاتماؤں کا, آتماؤں کا, جان کا, وگیان کا, اس کی سمجھ میں کیا آئے گا؟ تو اس لیے سمندر بھرا ہے آپ کے منس مندر میں, اور مہاتما یہ سب کرموں کو چکا دیتے ہیں. کہیں سیوا کرا کر, پانی پلا کر, کہیں دوا دلوا کر, کہیں روٹی کھلوا کر, کہیں جھاڑو لگوا کر, کہیں رات بتا کر کے راستے میں کھڑا کر کے, کہیں بیٹھا کر سردی میں, کبھی گرمی میں, یہ دھیرے سے یعنی کرموں کو چکا دیتے ہیں. ان کے پاس میں راستے ہیں چکانے کے, اور ادلا بدلا جب چکا دیا تو وہ چھٹی پا گئے. جب تک تم ادلے بدلے نہیں دے سکتے ہو تب تک کوئی بھی جیو کال کے دیش سے یہ نرکوں سے 84 سے کبھی چھٹکارا پا ہی نہیں سکتا. تو مہاتماؤں کے یہاں بھاگ بھاگ کے راستے چکانے کے ہیں, وہ ذرا سے کام سے چکا دیتے. اس کو بھی بلا لیا, اس کو بھی بلا لیا, مدراس سے بھی بلا لیا, ہماچل سے بھی بلا لیا, جنگل سے بھی بلا لیا, شہر سے بھی بلا لیا,
हिंदू को भी बुला लिया, मुसलमान को और सिख को भी बुला लिया, और गरीब को भी बुला लिया और अमीर को भी बुला लिया, और बुला करके बस एक दूसरे की सेवा करा देते हैं, सेवा दिलवा देते हैं और कर्मों को चुका देते हैं कि भाई अब कर्म चुक गया। तुमने नहीं सुना कि सेठ साहूकार जब कर्जा बांटते हैं और कर्जदार जब देने के लायक नहीं होता तो अंत में सेठ साहूकार कहते हैं अच्छा जो तू दे सकता है मूल दे दे। तो कह लगे सेठ जी हम इतना दे सकते हैं, अब हमारे पास सामर्थ्य नहीं। क्या चल जा दे दे, जा मैं अपने कागज से तुझको माफ करता हूं और ब्याज भी छोड़ देता हूं। तो छोड़ देता। तो ये ब्याज और कर्म कर्जा ये पहाड़ों की तरह से लदा हुआ है, ये बिना संतों के कोई माफ नहीं करेगा इसको हमेशा। इस बात के लिए जब थोड़े दिनों के बाद जब ये विद्या प्राप्त होगी लोगों को तो स्वयं लोगों को अनुभव होने लगता है कि कर्म कर्जा बिना संतों के मैं ब्याज के ये चुक नहीं सकता। आप इसको जानते हैं, मालूम है आपको, लेकिन बहुत सुलभ है, बहुत सरल है, बहुत सहज है। तो इसलिए ये स्थान है जो आपको कल और परसों बताए गए, इन स्थानों पर ईश्वर और ब्रह्म और पारब्रह्म और महाकाल पुरुष बैठे हुए हैं। इन्होंने अपने देवी और देवताओं को अपने मतलब ये कारगुजार बड़े बड़े पदाधिकारियों को अपने अपने लोक में इन्होंने स्थापित कर रखा है और वो सब काम करते रहते हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महादेव और पार्वती लक्ष्मी और सावित्री, और इन्होंने अपने अपने और लोगों को काम दे दिया, और आद्या महाशक्ति ने इनको काम दे दिया, और निरंजन भगवान ने एक आद्या महाशक्ति का लोक बनाया जिसमें इतना बड़ा लोक है कि मृत्युलोक से ज्यादा बड़ा स्वर्ग और स्वर्ग से ज्यादा बड़ा वैकुंठ और वैकुंठ से बहुत बड़ा शक्ति लोक। उस शक्ति लोक में स्त्रियां राज करती है, पुरुष का पुरुष स्वरूप का यानी पुरुष रूप का और पुरुष की शकल का नाम और निशान नहीं है, वह सारी की सारी स्त्रियों का राज उस मंडल में, उसको कौन पार कर सकता है, किसकी सामर्थ है। उसके बाद निरंजन भगवान का जो धाम है वो तो मतलब है कितना बड़ा, तो कितना बड़ा। उसके ऊपर फिर माया का देश है, वहाँ माया ही माया है, वहाँ पुरुष का कहीं भी नाम निशान उस बड़े इतने बड़े जितने कितने माया के लोग हैं उसमें कहीं भी कोई पुरुष नहीं दिखाई देता। और फिर ब्रह्मधाम, आपको तो ये राज मालूम है, तो इसकी साधना दोनों आंखों के पीछे जो जीवात्मा बैठी है और ऊपर से आवाज आ रही है लेकिन कान तुम्हारे बंद हो गए और तुम युग युग से यानी कितने कल्प बीत गए जब से आए तब से सो गए। कोई तुमको महापुरुष, कोई योगी, कोई सिद्ध पुरुष तुमको जगाने के लिए मनुष्य मंदिर में मिला नहीं कि तुम्हारी जीवात्मा को घाट पर बैठा के जगा दे। अब ये वक्त और समय आ रहा, हम उस तरह का सब माहौल तैयार किए देते हैं। जब सब चीज तैयार हो जाएगी, खर पतवार जब तैयार हो जाएगा और वो गीला ना हो, सूख जाएगा, तो बस ऐसे माचिस लगाई तो वो ज्ञान रूपी जब माचिस लगेगी तो भक पेट्रोल की तरह से भक आग लग जाएगी, तो जल भून करके तुम्हारे सब पाप भस्म। इसको कहते हैं ज्ञान रूपी अग्नि। ये जब प्रज्वलित होगी तब देखिए आप क्या होता है। तो हम तो ये वो दिन आपको बताना चाहते हैं कि स्त्रियां भी और पुरुष भी यहीं से बैठकर दिन में काम करेंगे और रोज स्वर्ग में जाएंगे, वैकुंठ में जाएंगे, उधर देवी देवताओं का दर्शन करेंगे और वहां ब्रह्मा विष्णु महादेव उनका भी दर्शन करेंगे और उसके ऊपर भी जाएंगे और रोज लौट करके चले आएंगे और खेती भी करेंगे, दुकान और दफ्तर का भी काम करेंगे और शाम को बच्चों की सेवा, और बैठ जाएंगे और फिर निकल जाएंगे। बड़े ध्यान से आप सुनिए, ये आसक्त रहित ये परिवार होगा जैसे राजा जनक थे। उनको राजकाज आदेश का पालन करना था, उसको कोई मोह ममता नहीं थी, निर्लेप थे, जिसको कहते हैं विधेय, कोई आसक्ति ना हो उनको, उसको विधेय।
उनकी जीवात्मा जाग गई। हम उस चीज की आपको तैयारी करके धीरे धीरे उसी तरफ जा रहे हैं, ये तैयारी हो जाए और इतनी प्यास लगेगी कि तुमसे उस समय यह कहा जाएगा कि तुम लोग प्रधानमंत्री बन जाओ, तुम मुख्यमंत्री बन जाओ, ले तुम राजा बन जाओ और तुम ये बन जाओ तो तुम फौरन फेंकोगे कि हमको नहीं बनना, कि जरूरत हमको नहीं, हमसे ये काम नहीं हो सकता। अरे भाई वो चीज तो कुछ और है, तुम यहां मरे जा रहे हो वैसे ही बेमतलब। अरे महात्माओं के पास आकर के कुछ काम करो तो कुछ काम भी हो जाए, महात्माओं के आदेश का पालन करो, दुनिया सब समझ में आ जाए, गृहस्थ आश्रम भी, समाज भी और देश भी समझ में आ जाए और तुम सब लोग निर्लेप रहो और शरीर का, परिवार का, सब तरह का क्षणिक सुख भी ले लो और आत्मा को जगा करके सच्चा आनंद प्राप्त कर लो। असली काम क्यों नहीं, नकली में फंसे 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 फंसे। और ये जो नशे चढ़ा रखे आपने, एक नशा, कितने नशे तुमने चढ़ा रखे, और नशों को जो आप पे चढ़ा रखा है तो किस तरह से तुम बदहोश हो, होश ही नहीं, कुछ होश नहीं है। तो इसलिए आप थोड़ा सा समझ से काम लो, बुद्धि से, और जाग करके संदेश सुनो, सो करके मत सुनो। वही मनुष्य है जो जाग करके सुनता और फिर वो अमल करता है। जैसे वस्त्र पहन लिया तो ठंडी दूर हो जाएगी, गर्मी दूर हो जाएगी, बरसात की हवा नहीं लगेगी, लेकिन जब तुम उस वस्त्र का अमल ही नहीं करोगे, वस्त्र पहनोगे नहीं, शील क्षमा संतोष विरह विवेक, ये एक वस्त्र है जो पहन लिया जाता है तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार पता नहीं किधर चले गए। अभी आपने इसका वस्त्र पहना तो आपको क्या मालूम होगा कि वस्त्र कपड़ा कैसा होता है। तो आप लोग आज, क्योंकि बहुत से लोग सुबह भी आ गए, रात को भी, नामदान तो कल हुआ था, ये नामदान सर्वोपरिधान है, इसको ऐसा मत समझिए। वक्त और समय आएगा तो लोग बहुत भटकेंगे, इसके लिए जो आज इतनी अवहेलना तिरस्कार करेगा उसको 200 मील, 400 मील, 500 मील दौड़ करके जाना पड़ेगा। ये अभी से मेरी बातों को याद रखिए, ये नामदान सर्वोपरिधान है और ये आत्मा के धन का दान है, आत्मा के ज्ञान का, आत्मा की सिद्धि का और आत्मा की शक्ति का और आत्मा के अमृत का, ये सच्चा दान है, ये बाहर का वो छाया का दान नहीं है। इसलिए वो मंत्र नहीं है जो गुरु मंत्र, ये गुरु दीक्षा नहीं है, ये आत्म मंत्र है, आत्म दीक्षा है, इसलिए इसको नामदान कहते हैं। आप लोग इसको सम्मान से ले लो और ये सबके काम आएगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के, छोटे बड़े, बच्चे और बच्चियों के, ये अमूलक वस्तु है, ये हीरे जवाहरात से नहीं मिलेगी, चाहे जितना भी दुनिया में बांटो, जब उस प्रभु की कृपा हो जाएगी उन महात्माओं पर तभी वर्षा होगी, इसके पहले कुछ छेलने वाला नहीं, पत्ता नहीं हिलेगा। लेकिन जो दया उनकी हो गई कि इन आत्माओं को अवसर दे दो, इनको मौका दे दो, इन पर वर्षा कर दो और ये बीज डाल दो, जब वो ऋतु और समय आएगा तो जम जाएगा। महात्मा फकीरों की मेहनत व्यर्थ नहीं जाती, तो मैं आदेश का पालन कर रहा हूं और ये सर्वोपरि आत्मदान आपको दे रहा हूं, उसको आप सम्मान से ले लो और 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, आधे मिनट मनुष्य दरवाजे पर, मनुष्य आत्म दरवाजे पर बैठकर आप जिस तरह से बताया जाए उस तरह से आप भजन कर लो। यहीं पर अगर दरवाजे पर बैठ करके आपने भजन कर लिया तो रिद्धियों सिद्धियों का सबका भंडार उदय हो जाएगा, यहीं से सब चीजें मिलने लगेंगी। लेकिन दरवाजा नहीं मिला और वहां बैठ करके भजन नहीं किया तो कुछ मिलने वाला नहीं है। वैसे ही खाली आए हो, अज्ञान में आए और अंधकार में आए,
रोते हुए आए, जब जाने का समय होगा तो ज्ञान रखवा लेगा, देखना रखवा लेगा, सुनना और बोलना रखवा लेगा, और एक पीछे से ठोकर मारकर रवाना कर देगा। इसलिए आप लोग संभल करके रहो। हम तो कोई जयपुर देव है नहीं, इस किराए के मकान का नाम आपका ही रखा हुआ, जो रखवाया होगा उस समय के पंडितों से, यह नाम तुलसीदास है और जय गुरुदेव नाम उस परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, उस सर्वशक्तिमान, उस ब्रह्म का, उस अल्लाह ताला यानी खुदा और गाड का नाम, ये किसी इंसान आदमी का नाम नहीं। तो जो जो नाम मैं भगवान का बोलूंगा, सब लोग एक साथ बोलेंगे, आगे पीछे नहीं। जो जो नाम बोलता जाऊं सब लोग उच्चारण करना, जिससे हमको मालूम हो कि आप शुद्ध नाम का उच्चारण कर रहे हो। जब मैं बोल बंद हो जाऊं तो आप भी बंद हो जाना, बोलो जय गुरुदेव। और ये आत्माओं का गोपनीय यानी रूहों का गो, ये छुपा हुआ राज, ये खजाना है। ये जब तुम जरा सा रियाज और जरा कमाई करोगे, थोड़ी सी आप मेहनत अभ्यास और साधना करोगे, तो जल्दी से ये प्रकट होने लगेगा। लेकिन तुम ऐसे ही बैठे रह गए तो घर का भी कोई काम नहीं होता, और वैसे घर में भी कोई आपको नहीं पूछेगा, अरे भाई काम प्यारा चाम थोड़ी प्यारा है। अरे भजन करोगे तब तो तुम प्यारे बनोगे, तब तो तुम्हारी जीवात्मा इस अंधकार से, इस जड़ता से निकलेगी। लेकिन भजन नहीं करोगे तो कौन किसको प्यारा? पति स्त्री को जवाब देता है, स्त्री पति को जवाब देती है, माँ बाप बच्चे को जवाब देते हैं, चाम नहीं प्यारा, काम प्यारा। अरे बातें प्यारी नहीं है, साधना और भजन और प्यारा है। इसलिए थोड़ा तुम भी मेहनत करो, हम भी करो, दोनों की मेहनत से ये हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। आज गुरु महाराज का ये उनका पुण्य, जो जो संकल्प यहां छोड़ गए हैं, जो आशीर्वाद और आदेश जो दे गए हैं, ये सब उनकी चीज है। हमारे पास कुछ उन्हीं का आशीर्वाद, उनकी दी हुई ये दौलत है, और उन्होंने आदेश दिया है कि इस तरह का जब समय आएगा तो बांट देना, वो आपको मिलेगी। उनकी ये स्मृति है, यादगार, कि ये खजाना महापुरुषों ने बांटने के लिए दिया है, ये उनकी यादगार, और वो सब चीजें ताजी। गुरु महाराज बड़े सादे थे, बड़े सीधे थे, बहुत सादगी थी, बड़े सीधे थे, बड़े भोले थे, लेकिन जानते सब कुछ, कोई चीज उनसे छुपी नहीं, सब कुछ जानते थे। और उन्होंने ये संकल्प, तो उनका ये संकल्प है, इन जीवों को बहुत लाभ होगा, रूहानियत का, आध्यात्मिकता का। आगे सब लोग तैयारी करो, भंडार खुलेगा और सब लोग उस भंडार में प्रवेश होंगे, और असली खजाने की लूट होगी, लोग लूटेंगे, अपने अपने दामन, अपनी अपनी झोली, नेत्रों की झोली, नेत्रों का दामन, दिव्य नेत्र की झोली और दिव्य नेत्र का दामन फैलाकर, और माल की, अद्भुत माल की, दैविक माल की, वो खजाने की यानी लुटाई होगी। और हीरे जवाहरात, ये उस लुटाई के सामने कुछ नहीं है, वो चेतन हीरे, वो अमृत के हीरे ऐसे बरसेंगे, जिसको ये सब के साथ इस मनुष्य रूपी मंदिर में अपनी आंखों से वो लुटाई होगी कि जो वर्णन में नहीं आएगी। आपको क्या मालूम है कि आकाश में क्या वर्षा हो रही है? तुमने अपना दरवाजा ही बंद कर रखा तो वर्षा क्या पता चलेगी? अरे दरवाजा तो खोलो, मुंह तो खोलो, तब वर्षा मालूम हो कि कैसी वर्षा
हो रही है अखंड। महात्माओं ने जो कुछ भी वर्णन किया है वो कटु सत्य है, उसमें जरा सा भी कोई गुंजाइश नहीं। तो ये उनकी पुण्यतिथि है और उन्हीं के संकल्प का ये आपको प्रसाद, वो तो देने का एक आधार तो चाहिए, तो कोई आधार आपको, जो आधार है वो आपको दिया जाता है कि इसको आप संभाल करके ले जाएंगे। हो सकता है कि साल भर आपको अवसर न मिले, तो इसको आप प्रसाद को संभाल करके रखेंगे और जरूरत पड़ने पर आप इससे काम लेंगे अपनी व्याधियों में, परेशानियों में। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हे मालिक, हमको कुछ नहीं चाहिए, जितने दुख हमारे कर्मों के हों वो जल्दी से जल्दी हमको दे दीजिए, लेकिन प्रार्थना ये है कि बर्दाश्त जरूर दीजिएगा और हमको आत्मधन लुटा दीजिए। तो इसलिए भी आत्मधन की लूट के लिए भी प्रसाद खाते हैं, ये तो मुख्य चीज है, लेकिन कभी कभी तरह तरह के कष्ट, तरह तरह की परेशानियां, तरह तरह की हैरानियां परिवार में, बीमारियां परिवार में, बच्चों में और बच्चियों में, पत्नी में और पति में, भाइयों में, माँ में, पिता में, अड़ोसी में, पड़ोसी में, जात में, बिरादरी में, समाज में, दफ्तरों में और राज में और इसमें और उसमें, ये तरह तरह की जो बीमारियां, जो रोग लग गए हैं उनके लिए भी लाभदायक। लेकिन यह अनुचित उपयोग करोगे तो लाभ नहीं होगा, उचित उपयोग करोगे तो लाभ हो जाएगा। अनुचित क्या उपयोग है कि मैं ये प्रसाद खाता हूं, आज मैं रात को डकैती डालूंगा, मुझे 1,00,000 रुपया मिलना चाहिए, यह अनुचित, इससे लाभ नहीं होगा। तुम इसको खा करके डकैती डालोगे, चोरी करोगे, मौके पर पकड़े जाओगे और फिर कर्मचारी अधिकारी पकड़ेंगे तो वो डंडे मारेंगे, कचहरी पहुंचा देंगे, तुम्हारी सजा हो जाएगी। तो अनुचित प्रसाद का उपयोग मत करो, उचित करो, और मेरी चोरी छूट जाए, मेरी डकैती छूट जाए, झूठ छूट जाए, छल कपट छूट जाए, बदमाशी छूट जाए, और मुझसे ये छूट जाए और ये बुराई छूट जाए और मुझ में अच्छाई आ जाए। और जब उचित उपयोग करोगे कि मेरी बीमारी चली जाए या मुझे बीमारी में आराम हो जाए, तो इसमें लाभकारी होगा, फायदा करेगा। ये इसलिए बातें आपको बताए देता हूं कि आप श्रद्धा से, आस्था से आपने रात को तपस्या की है ठंडी में, हम भी देख रहे हैं, हम कोई ऐसा थोड़ी कि नहीं, आपको क्या मालूम कि रात को मैं कैसे घूम रहा था, किसी को नहीं पता कि मैं कैसे निकल के, किसी ने नहीं पहचान पाया, कोई भी सड़क पर पहचानने वाला नहीं मिला। तो आपको तो ये जानना चाहिए कि मतलब यह है कि मैं देखता हूं, ऐसा थोड़ी है कि मतलब मैं अंदर घुस गया तो मैं देखूं और समझूं नहीं उसको। तो ये सब मैं देखता हूं कि आप अंगों से तपस्या कर रहे हो और तपस्या का फल आपको मिलेगा। ठीक है, आपने शरीर से गुनाह किए हैं, बुरे काम किए, पाप किए हैं आपने, ये ठीक है कि आपके ऊपर जमा है, लेकिन तपस्या अपनी जगह, वो तो धीरे 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 जिसका ढेर ज्यादा हो जाएगा और फिर एक दूसरे में मिलने लगेगा, तो मिलकर के एक दूसरा अच्छा और खराब खून शोधन करके और खराबी को निकाल देता, वो तो अपने तरीका है। लेकिन ये कि तपस्या तो तपस्या ही है। तो आपको मैं और कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ये गुरु महाराज की ये विशेष कृपा और दया यादगार दिन है। आज मैं आपके सामने नामदानी देकर इसको समाप्त करूंगा। ये लोग जो अभी प्रसाद ले रहे हैं वो उसी तरह से, यानी प्रसाद को ले ले, अच्छा रहेगा और वो उनके लिए जरूरी है। ठीक है, आप इधर आओगे तो ठीक है, लेकिन वो भी संकल्प भी किया, यानी दया मांगी हुई है, तो जब दया मांगी हुई है और वो एक आपके लिए सुलभ है, तो आप क्यों इधर उधर, यानी हाथ पैर पीठ पटकते हो, जो चीज मिल रही उसको तो पहले ले लो और कुछ मिल जाएगी वो भी ले लेना। अरे भाई, इसके माने ये थोड़ी है कि अगर कोई 10 दे तो 10 भी ले लो, कोई ये दे दे तो और भी ले लो,
कोई एक दवा दे दे तो वो ले लो, और कोई उससे भी अच्छी दे दे उसको भी ले लो। तो ऐसा क्यों कि बस हम नहीं लेंगे? अरे रोग तो रोग ही है, बीमारी तो बीमारी, भूल भटक तो गुरुदेव। घर जाओ आप, फिर आप मेरी बात को सुन ले। दाए जो इस मैदान में और मैदान के बाहर इतना ही टेंटों में, राउटियों में और इस बाउंड्री के बाहर, ये जो अपनी आंखों से आप देख रहे हो, इस स्थान पर 25 सालों से अगैन सुधी दसवीं को प्रतिवर्ष भंडारा हो रहा, प्रत्येक वर्ष 25 साल से हो रहा। कितने साल से? इसको आप लोग याद करके रखिए। ये सारी जमीनों के हमारे पास दस्तावेज है, हमने इन जमीनों को उस समय पर खरीदा है जब 150 रुपए एकड़ जमीन हमको यहां मिली। इस जमीन की कोई भी पूछ किसी तरह की नहीं थी, 200 रुपए एकड़, 400 रुपए एकड़, 500 रुपए एकड़, यानी 100 डिसमिल का एक एकड़ होता है, तब की हमारी जमीन, यानी हमने इसको 64 में लिया था। 25 सालों से भंडारा हो रहा, जहां इतना बड़ा जनसमुदाय मानव बात को समझने के लिए, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए और मोहब्बत और प्यार को जानने के लिए, राष्ट्र और मानव की सेवा खिदमत करने के लिए जिस स्थान पर इतनी बड़ी शिक्षा दी जाती हो, और सभी जनहितों के काम जितने हो वो सब किए जाते हो, तो आप लोग बुद्धिमानी से काम लो। इसमें आप लोग अपनी भावनाओं का सहयोग दो कि जनहितों के काम लोक परलोक के और भी अच्छे हों। जब आपकी भावनाओं का सहयोग मिलेगा तो मालिक की आप पर भी दया होगी, और मालिक की दया का शक्ति पाप आप पर भी होगा, और बुद्धि जगेगी तो आपको जस मिलेगा, आपकी कीर्ति होगी। और आपको क्या चाहिए? किसी को देश में सात्विक जस, उसकी कीर्ति हो, इससे इस लोक में और कौन सा सौभाग्य प्राप्त होगा? लेकिन 25 सालों से हो रहा, एक स्थान पर मथुरा वृंदावन में किसी भी आश्रम में इतना आदमी नहीं आता। आप देख रहे हैं, कल नगर दर्शन फेरी, आप सब लोग सभी प्रांतों से आए हुए, नगर दर्शन फेरी में पद यात्रा करेंगे, पैदल चलेंगे, और जितने भी लोग कतारों से बाहर होंगे, जो सेवादार जो कतारों से बाहर चलेंगे बच्चों की संभाल के लिए, यानी उससे अलग होकर, वो तो कुछ है बोल सकते हैं, बाकी जो बीच में सबके सब चलेंगे, वो सारा का सारा यानी नगर दर्शन फेरी के लिए मौन होकर के जाएगा, मौन बोलेगा नहीं। विश्राम घाट तक, यहां से चलकर विश्राम घाट तक, जहां हिंदुस्तान का मथुरा का एक विश्राम घाट स्थान बहुत प्रसिद्ध है, उस घाट तक सारा का सारा नगर दर्शन फेरी के लिए मौन पद यात्रा करेगा। सभी नर नारी जो उसमें होंगे सीधे चलेंगे, जो थोड़े से सेवा करने वालों के अतिरिक्त है, यानी वो लोग बोल सकते हैं, किसी को कुछ समझा सकते हैं, लेकिन आप मौन। हमारे कर्मचारी अधिकारियों की किसी भी व्यवस्था में कोई बाधा नहीं, जिससे कि इनका नाम बदनाम ना हो, मौन आप चले गए। फिर एक बात को सुन ले,
جو بھری ہوئی سڑک جائے گی اس سے جو کنارے کنارے ہوں گے وہی کچھ ہی چند لوگ مطلب آپ آپ میں کچھ کہہ سکتے ہیں, کوئی پوچھے تو بہت میٹھی زبان میں بولیں گے اور اتنی بات کہیں گے جتنی ضرورت, باقی سارا کا سارا نگر درشن پھیری کے لیے پورا کا پورا یہ جن سمدائے مون ہو کر کے جائے گا. کیسے جاؤ گے؟ کیسے جاؤ گے؟ وشرام گھاٹ تک. کہاں تک؟ وشرام گھاٹ پر مون ٹوٹ جائے گا. پھر کوئی بھی کچھ پوچھے یا وشرام گھاٹ کے آگے نکل جاؤ تب بھی آپ کا مون ٹوٹ جائے گا, پھر مون رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے جیسے ہی وشرام گھاٹ کی طرف جاؤ اور دوارکادھیش مندر کی طرف بڑھو بس اپنے مون کو چھوڑ دو, لیکن وشرام گھاٹ تک آپ کا مون رہے گا. وہاں جا کر کے آپ کا مون ٹوٹ جائے گا اور کوئی بھی نگر میں درشن کرو, پوچھے کچھ کہو کچھ پوچھو, یہ پھر سب کر سکتے ہیں. اور وہی آپ کو چھوڑ دیا جائے گا جس سے کہ آپ مندروں میں یا اور مطلب یہ ہے کہ درشن گھاٹوں پر یا اور بھی مطلب یہ ہے یہ سب اچھی طرح سے درشن یہ کریں, کوئی دان کوئی پن کوئی یہ کوئی وہ کوئی ہاتھ جوڑے کوئی نمسکار یہ سب اسی کو کرو کہ یہ سب اسی کا روپ ہے, یہ جتنا بھی یہ سب چھایا ہے اور اس میں ہو کر کے اس کی طرف دیکھو مالک کی طرف. صبح گھنٹی بجے گی اور یہ مائک بولے گا, آپ لوگ جلدی جلدی تیار ہوں گے اور 6 بجے بڑا سمدائے باہر سڑک پر آ جائے گا اور پھر یہاں جیسے ہی سورج نکلنے کو ہوا پرکاش بس یہاں سے چل دے گا, آگے آگے چلیں گے اور اس کے پیچھے سب لوگ جائیں گے. اور ہم اپنے جو بھی ہمارے ودوان ہیں پنڈے پجاری برہمن وہ سب آ جائیں اور یہاں سے ہمارے ساتھ چلیں, جیسے کہ آپ ہی کی منترنا سے یہ سب نگر درشن فیری میں جائیں گے. اور میں یہ بتاؤں گا کہ یہ ہمارے جو ودوان جو دھرم کے بڑی آواز لگاتے ہیں پنڈا مہاراج جی یہ ہم کو لیے جا رہے ہیں, ہم سب لوگوں کو یہ ہم بتائیں گے وہاں, آپ کو گھبرانے کی کیا بات ہے. ارے ہم کو تو ہم کو ان کو سب کو کوئی لے جائے, لیکن صحیح راستے کی طرف تو لے چلو, غلط راستے کی طرف تو بولو جے گردے. سر جائیے آئیے آپ, یہ ہمارے یہ چترپتی سماج کے ادھر ہے جب سماپن ہوا تھا اور جب متھرا میں آئے تو یہ موہلی گاؤں کے پاس 1 کلومیٹر دور ہے, وہاں پر کارکرم ہوا اور پھر ان کے اس سے دھرم استھان پر جو گنگا کے استھان میں ہے ایک بہت بڑا کارکرم ہوا اور ان کی سینا سے تمام لوگ کو سمجھ پر گئے اور سب لوگ وہاں سب نے آ کر گنگا کے استھان کے درشن دیے. یہ دھرم کے اثردار ہیں اور ہمارے مکھن ہے مکھن یہ مکھن ہے چوراسی کوچ کی یاترا یہیں سے ہوتی ہے اور یہاں پہ جو یاترا نہیں کرے گا اس کی یاترا کبھی پوری چوراسی کوچ کی مانی نہیں جاتی ہے. یہ مکھن ہے جہاں پر یہ چھوٹی چیز نہیں, سب صبح پراتھ کال آ جائیں گے اور آگے آگے آپ کریں گے, لیکن سرخوں میں آپ الگ الگ رہے تاکہ آگے بھی آپ رہے اور بیچ میں ہمارے سڑک اور بیچ میں اور پیچھے بھی رہے, جس میں بھی مقصد ہے یہ بات ہو کہ ہم سب آگے پیچھے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں. بولو جائے اور بات تو ہر بھائی کو تو جنا مہیا ہے, ارے بھرم گنگا ہے وہ گنگوتری جنگوتری سے ارے سب جگہ آئی ہے اس کی طرف سے, لیکن گنگوتری ہوئی جب وہ دھارا آئی اور مہاتماؤں نے تپسیا کی ہے
विद्यार्थी का